हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे लैपटॉप या पीसी में जो कनेक्टेड वाईफाई होते हैं उसके पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें विंडोज के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें रन सर्च करना है और यहाँ से एंटर कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे NCPA.CPL लिखना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका लैपटॉप या पीसी कौन सी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ओप्पो F17 से लैपटॉप में जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है। तो मैं सिंपली करूँगी क्या, इस पर डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं वायरलेस प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से सिक्योरिटी के ऑप्शन पर, और यहाँ से मैं सिंपली शो कैरेक्टर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे वाईफाई का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम हमारे पीसी या लैपटॉप में कनेक्टेड जो वाईफाई होती है उसके पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या इश्यू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।